हाय गाइस, CUET PG 2024 को लेकर के 3-4 डेज का टाइम बचा हुआ है. व्हाट टू डू इन नेक्स्ट 3-4 डेज एंड व्हाट नॉट टू डू, सो ऑल दिस थिंग आई विल बी डिस्कसिंग दिस वीडियो. सबसे पहले जितने लोग ने मॉक थोड़ा बहुत लिखा हुआ है, थोड़ा मॉक और लिख लो, ठीक है. आपके मेन्यू के डैशबोर्ड पे 20 मॉक टेस्ट CUET 11 का है एंड 20 मॉक टेस्ट CUET 12 का है, ठीक है. सो उतने मॉक नहीं हो पा रहे, ठीक है, बट CUET 11 जितने लोग लिख रहे हो उनको मेरा एडवाइस है 20 के 20 मॉक खत्म कर लेना. उसमें कंप्यूटर एंड GK ये जो दो सेक्शन है उसके पूरे सेक्शन 20 के 20 मॉक में देख लेना. वहाँ से हाई चांस है डायरेक्ट क्वेश्चन आने का, एग्जाम में रिपीट होने का, ठीक है. सो अभी रिमेनिंग डेज में आपको मॉक लिखना चाहिए और एनालिसिस करनी चाहिए अच्छे से, ठीक है. दिस इज द वन. सेकेंड, ट्राई टू बिल्ड योर डी डे स्ट्रैटेजी कि मैं एग्जाम को कैसे लिखूंगा, राइट. व्हाट शुड बी माई स्ट्रैटेजी, कैसे मैं सेक्शन को अटेम्प्ट करूंगा, मेरा राउंड वाइज अटेम्प्ट क्या होगा. मतलब वो एग्जाम में जाके फिर ऐसा नहीं कि वो डिसाइड करने लग जाए, टाइम खराब करोगे आप, ठीक है. निगेटिव मार्किंग दिमाग में होनी चाहिए, तुक्का मटका पूरी तरह से अवॉइड करना है, ठीक है. हाँ, अगर आपको दो ऑप्शन पे लग रहा है कि श्योर हो तो आप चांस ले सकते हो. उसके बाद है सेक्शन वाइज प्रिपरेशन. अब हर सेक्शन में देख लो कि इस सेक्शन में ये टॉपिक में पहले आएगा तो अटेम्प्ट करूँगा, ये टॉपिक में राउंड टू में एंड ये टॉपिक राउंड थ्री में. ये आपका हर सेक्शन को लेके प्लानिंग होना चाहिए, ठीक है. तो सेक्शन वाइज कैसे जाना है एग्जाम में वो क्लैरिटी अभी से ले लेनी है, ठीक है. फुल फ्लेज में रिविजन करना है, जितने टॉपिक आपने प्रिपेयर किया है इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी सेक्शन रिविजन करना है, ठीक है. बिकॉज सो ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन जो आपने नोट्स बनाया था, जो आपने थियरी याद की थी, जो आपने नोटिस बोर्ड पे या तो स्टडी टेबल के सामने आपने जो भी नोट्स बनाए थे वो सारी चीज़ों को आप रिवाइज करो, ठीक है. फॉर्मूला हो गया आपका, कंसेप्ट हो गया, ये सारी चीज़ों को रिवाइज करना है. क्या नहीं करना है, लोड नहीं लेना, प्रेशर नहीं लेना, टेंशन नहीं लेना कि एग्ज़ाम में क्या आएगा, क्या होगा, मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, एग्ज़ाम में मेरा स्कोर बनेगा कि नहीं बनेगा. तो ये चीज़ें नहीं सोचनी है, बिकॉज अब जो होना था जो करना था आपने कर लिया है, ठीक है ना. हाँ, कोई नया टॉपिक अगर आपको लग रहा है कि प्रिपेयर करना है, यार मैंने सब कर लिया, मेरे ये टॉपिक में लग रहा है थोड़ा बेसिक देख लेना चाहिए, हाँ वो उतना कर लो आप, ठीक है. बट ज़्यादा लोड लेके या टेंशन लेके आपका हेल्थ और आपका माइंडसेट और आपका जो प्रिपरेशन है तीनों हैम्पर होगा, जो अल्टीमेटली आपके स्कोर पे हैम्पर करने वाला है, ठीक है ना. तो ये चीज़ नहीं करनी है. प्रेशर में पढ़ाई नहीं होने वाली है, प्रिपरेशन नहीं होने वाली है. चिल करो, रिलैक्स होकर, हाँ जितना पढ़ा है बहुत सही पढ़ा हुआ है, ठीक है, और उसको ही को अच्छे से रिवाइज कर लेना है. जितने लोग CUET 12 वाले हो तो आपका तो क्वांट है, लॉजिक है, ठीक है, और आपका इंग्लिश है, फिर DI है, चार मेन सेक्शन है आपके. CUET 11 वालों में तीन एरिया कॉमन है, लॉजिक, आपका इंग्लिश एंड क्वांट, ठीक है ना. CUET 11 में आपका GK एंड कंप्यूटर ऐड हो जाएगा. GK के 1500 क्वेश्चन का जो पूरा मॉक का प्रोग्राम है, काइंडली राइट ऑल द मॉक. 1500 क्वेश्चन को लेकर अलग से भी हैव मेड द मॉक प्रोग्राम, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन. मॉक का भी, सेक्शनल कोर्स का भी एंड आपका फुल कोर्स का भी काइंडली चेक इट. बिकॉज जो गेम चेंजर CUET 11 में होने वाला है वो है GK, दूसरे नंबर पे है मैथ्स, फिर इंग्लिश, ठीक है. कंप्यूटर आप कर लोगे, बेसिक क्वेश्चन आते, इतना टफ नहीं आता, ठीक है. तो इतनी चीज़ें आपको नेक्स्ट रिमेनिंग डेज में अच्छे से करनी है, मॉक की एनालिसिस बहुत अच्छे से करनी है, ठीक है. और डेट्स आपके मेन्यूअर के डैशबोर्ड पे ये सारे आपके मैथ्स के वीडियो है, ठीक है. वैसे ही आपका लॉजिक का वीडियो है, ऑल दिस लॉजिकल रीजनिंग वीडियोस. सो इतने लोग मेन्यूअर के लाइव या क्लासरूम वाले हो, आपके पास ये सारे वीडियो अवेलेबल है, काइंडली रिवाइज इट. जहाँ जहाँ आपको लग रहा है कि हाँ ये कंसेप्ट या टॉपिक मुझे वापस रिवाइज करने की ज़रूरत है, रिवाइज कर लो, ठीक है. एंड इफ यू डू नॉट हैव द एक्सेस, तो फुल कोर्स का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, काइंडली चेक इट एंड काइंडली गो थ्रू ऑल दिस वीडियोस, ठीक है. सो जितने लोग का एग्जाम 12 तारीख को है, आप 11 तारीख को मॉक लिखना बंद कर सकते हो, ठीक है. मॉक की एनालिसिस, जितने भी मॉक लिखे उसकी एनालिसिस अच्छे से कर लेना. और जितने लोग का 13 तारीख को है वो 12 तारीख को अपना बंद कर देना, ठीक है. तो CUET जो 12 है वो है 12th मार्च को, CUET 11 है वो 13 मार्च को है. तो दोनों एग्जाम मैं भी लिख रहा हूँ, आई विल गिव यू द एनालिसिस एज वेल. और CUET 17 भी है, HUQP 20 20th मार्च को, चार पेपर आई एम राइटिंग मेनली, ठीक है. सो एनालिसिस के लिए रेडी रहना मेन्यूअर CUET चैनल पे. और हो सके तो लास्ट दिन एक मूवी देख लो यार, द पर्सूट ऑफ हैप्पीनेस, यू कैन वॉच दैट मूवी. या तो आप अभी रिसेंटली जो लास्ट ईयर आई थी 12th फेल, थोड़ा मोटिवेट रहोगे एग्जाम तक, या तो थोड़ा चिल रहना है तो कोई भी कॉमेडी मूवी देख सकते हो. सो जितनी भी पढ़ाई हमने की है बहुत सही है, बहुत अच्छी है, ठीक है. और बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ, रिवाइज कर लो चीज़ें और एग्ज़ाम में हम अच्छा करेंगे. अपने आप को बार बार ये बताते रहो कि हाँ हमने काफ़ी मेहनत की है, एग्ज़ाम में हम अच्छा करेंगे.
एंड डेफिनेटली वी विल डू बेटर, और अपना सिलेक्शन TISS में पक्का होगा. ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू.